हाथ पकड़ के
दिखाया जाता था, बाद में हाथ छोड़ दिया जाता था, अब ध्यान देखते ये साकार से निराकार हो जाएगा। काशी के अंदर जब वो आते हैं, चांदा का संवाद सबको पता है, मनीष पंचक पद वाला विषय सबको पता है, इनको अध्ययन कर लीजिए। लेकिन अद्वैत को भागने वाले और फिर कह रहे हैं चल हट, कहाँ हटें हम तो सबको, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व की भूमिका इस बात की है कि जब वो मणिगढ़ भारतीय तरफ जा रहे थे तो उस समय एक स्त्री सो रही मैंने रोड़ी और पति उसके गोद में उसे रख करके मर चुका है, रुदन कर रही है, ये अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं और जाते हैं तो उसके से कहते हैं कि उसको हटा दो रास्ते में से, इससे और अधिक रुदन करती है। तब शंकराचार्य स्वयं कहते हैं, तब इसलिए स्वयं कहते हैं उनको कि आप तो धर्म के मानने वाले हैं, सब में धर्म ही देखते हैं, तो इस सब इस शरीर को कम ही कहते कि स्वयं हट जाए, इसको कहिए कहते हैं। पर इस बात को सुनकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ध्यान में आया तो फिर ध्यान में आया कि स्वयं शरीर के बना शक्ति के रूप में वो स्वयं तो एहसास कराया थोड़ी शक्ति विहीन, तो उस धर्म का ऐसे कोई अर्थ नहीं रह जाता, किस प्रकार के व्यवहारिक प्रसन्न तो वहाँ पर भी और तमाम शक्ति की उपासना अन्नपूर्णा के मंदिर में काशी में जाने पर किस प्रकार की इच्छा वाली उन्होंने की इच्छा वाली हम सब जानते हैं। वो कुछ कहे या देख से कहे उन्होंने एक अनित्य ये शरीर तेरा, अनित्य सब तेरा धन है, वो उस पर तू लगा हुआ है, लेकिन जो वास्तव में ईश्वर अर्थ इसको तुम समझना चाहिए, अनुभूति करनी चाहिए, तुम्हारे बिल्कुल घर के बगल में ही एक भौतिक में जिसके घर में कुछ अंधता भी नहीं है, उसको तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इसमें भी कुछ ईश्वर है, इसके भी अंदर ईश्वर का आवास करता है, और सीधे फटकार के रूप में उसको सीधे सीधे कहा चलो अपने धन को उसको दे करके अपने धन को सार्थक बनाओ। इस प्रकार की दृष्टि छोटी छोटी बातों में इस प्रकार वह जो हमारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं उनके जीवन के, परंतु उनमें से एक प्रश्न का सुनाता हूँ। हम अपने हिसाब से सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से उन्होंने भी छोटी आयु में 16 वर्ष की आयु तक वो किसी से पीछे नहीं है, ऐसा आदि शंकराचार्य जी का जीवन